अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिन अदर ब्यूटीफुल वीडियो। प्रॉपर्टी साइट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल रहमान। तो जिन लोगों ने प्रॉपर्टी साइट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत शुक्रिया, और जो लोग नए हैं इस चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपके साथ रियल इस्टेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि हम गुजर खान बेस्ड हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो गुजर खान की रियल इस्टेट और उसमें जो बनने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको मुकम्मल आगाही दें। तो आज मैं मौजूद हूँ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर। ESM डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, इनका ये दूसरा प्रोजेक्ट है और इसके अलावा इनके कुल चार प्रोजेक्ट्स हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान इस हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर BSM डेवलपर्स ने 6 माह के अंदर अपने अर्ली बर्ड ब्लॉक की पोजिशन अनाउंस कर दी है। तो जिन लोगों के अर्ली बर्ड ब्लॉक में प्लाट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन, वो आएँ और अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो पोजीशन अप्लाई करें, आपको पोजीशन मिलेगी और आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आज की जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी आउट क्लास डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने अपना जो हेड ऑफिस है उसकी बिल्डिंग्स का जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वो जब शेयर किया तो उसके नीचे लिखा हुआ कि जी डिज़ाइंड बाय नैयर अली दादा साहब। तो जैसे मुझे नहीं था इतना उनके बारे में पता, तो मुझे यकीन है कि जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी इसके बारे में इतना ज़्यादा इलम नहीं होगा। तो जब मैंने नैयर अली दादा साहब के बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, जितनी भी आउट क्लास बिल्डिंग्स डिज़ाइन की हुई हैं वो डिज़ाइंड बाय नैयर अली दादा साहब हैं। तो ये गुजर खान की खुशकिस्मती है कि गुजर खान के अंदर नैयर अली दादा साहब के जो डिज़ाइन हैं उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो BSM डेवलपर्स ने ये बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टेप लिया है कि इस तरह की आउट क्लास आइकॉनिक बिल्डिंग्स जो हैं वो गुजर खान के अंदर बना रहे हैं। तो उनके बहुत सारे जितने भी वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो तो सारे फेमस ही हैं, लेकिन मैं उनमें से चंद के नाम ले लेता हूँ। तो उनमें शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल है, अलहमरा आर्ट कौंसिल है, सरीना होटल, पार्क सऊदी टावर, उसके अलावा MCB का जो हेड ऑफिस है, HBL का हेड ऑफिस है, कदाफी स्टेडियम की बिल्डिंग भी इनकी डिज़ाइन की हुई है। तो गुजर खान के अंदर इनकी डिज़ाइन किए हुए 3 प्रोजेक्ट्स हैं। एक न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में जो BSM डेवलपर्स का हेड ऑफिस बन रहा है, मेरे बैक साइड पे उसकी बिल्डिंग है। ये लास्ट ईयर नवंबर 2022 में स्टार्ट हुआ और इसने नवंबर 2023 में कंप्लीशन होनी है, तो 1-2 महीने इससे ऊपर भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो तहसील गुजर खान और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की बड़ी मस्जिद में से एक मस्जिद बनने जा रही है, मस्जिद रुखसाना, उसका भी डिज़ाइन जो है वो नैयर अली दादा साहब ने किया हुआ है। और मसाजिद में ग्रैंड मॉस्क बैरिया टाउन, ग्रैंड मॉस्क कराची बैरिया टाउन के अंदर जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की मस्जिद है वो भी इनकी डिज़ाइन की हुई है। तो व्यूअर, जैसा कि मैंने नैयर अली दादा साहब के प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं, आपको इस बात का तो आइडिया हो गया होगा कि BSM डेवलपर इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना सीरियस है और किस लेवल पर इस प्रोजेक्ट को लेकर जाना चाह रहे हैं। आर्किटेक्चर आपके सामने है, बिल्डिंग्स आपके सामने हैं, और आपका ऊपर एक चीज़ जो है वो है विज़िट, अर्ली बर्ड का विज़िट करें। ऑन स्क्रीन नंबर पर प्रॉपर्टी साइट की टीम के साथ कांटेक्ट करें, हम आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाएंगे। हेड ऑफिस की बिल्डिंग में जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ है वो है इसका टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पे बहुत ज़बरदस्त पेंट हाउस और उसके अलावा इसमें गैलरी बनने जा रही है। तो इसमें आप आएँगे, आप खाली ये हेड ऑफिस भी इस्तेमाल होगा और उसके साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त आइकॉनिक बिल्डिंग भी होगी और आप इसको विज़िट भी कर सकेंगे। तो अगर अभी तक आपने प्रॉपर्टी साइट के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारा Facebook पेज को फॉलो कर लें। मैं आपके साथ इसी तरह की लेटेस्ट और बेहतरीन डेवलपमेंट अपडेट्स लेके आता रहूँगा। एक और खूबसूरत वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।